अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोर्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और 2 बजे हमारी फ्लाइट है, 2 बजे हमने चले जाना है। अभी टाइम हो रहे हैं 1:13। इस टाइम मैं साफ़ी सफा पहाड़ी के साथ मौजूद हूँ और आज हम जा रहे हैं अपना तहरान की तरफ, नजफ एयरपोर्ट से तहरान एयरपोर्ट, ईरान का शहर कुम, वहाँ हम रिहाइश रखेंगे और आपको भी दिखाएंगे एयरपोर्ट के हालात और खुद भी देखेंगे। सामान लोड किया जा रहा है, उसके बाद हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ हमारे 2 बजे की फ्लाइट है। टिकट कितने की मिली है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो के साथ होते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहां अपना सामान उतारेंगे और चलेंगे अंदर और बोर्डिंग होगी। बोर्डिंग के बाद इंशाल्लाह फ्लाइट और ईरान तहरान एयरपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोर्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और 2 बजे हमारी फ्लाइट है, 2 बजे हमने चले जाना है। अभी टाइम हो रहे हैं 1:13, 2 बजे हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और आपको मिलेंगे तहरान में, आपको जहाज़ भी दिखाएंगे और उसके अंदर जो खाना मिलता है वो भी दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एरोप्लेन में बैठ चुके हैं, सारे पैसेंजर आस्ता आस्ता बैठ रहे हैं। अभी फ्लाई होगी वो आपको दिखाएंगे और इसके अंदर हमें जो खाना मिलेगा वो भी आपको दिखाएंगे। हमारा सफ़र कम्प्लीट हो चुका है और हम तहरान इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, लैंड करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है। अभी बाहर चलते हैं, सलाम टर्मिनल जो कि तहरान एयरपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं, दखूल होगा, दखूल होने के बाद हम जाएंगे मासूम को। एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और चेकिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी इतनी तेज़ नहीं होती, ये एयरपोर्ट जो है ना काफ़ी खुश अखलाक लोग हैं और काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। बाहर हमारी बस आई खड़ी है, बस में सवार होंगे और कुम की तरफ चले जाएंगे। वो सामने बस हमारी खड़ी है और ये टर्मिनल है, वहाँ से एंट्री होती है और ये एग्ज़िट होती है। ये टर्मिनल है, सलाम टर्मिनल, तहरान का एयरपोर्ट है। हमारी फ़्लाइट थी 2 बजे की, उसके बाद हम इधर पहुंचे हैं, हमें आधा घंटा यहाँ पर भी हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मगरिब भी हो चुकी है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं कुम शहर में। 95 किलोमीटर का सफर था तेहरान से कुम। कुम शहर पहुंच चुके हैं अभी हरम की तरफ। सामने हरम मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा, और ये वो जगह है जहां पर अभी बसें खड़ी हैं, जहां से हम बैठे थे एयरपोर्ट के लिए गए थे इराक के लिए, और यहां पर हमारा काफिला सारा आ चुका है। माशाल्लाह जी, यहां में फातिमा चल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो है ना सबीलें लग रही हैं, हर तरह लूहे भी चल रहे हैं। आगे हरम पाक में मातमी दस्ते भी आए हुए हैं और मजालस भी हो रही है, वो भी आपको हरम पाक में चल कर दिखाएंगे। माशाल्लाह पाकिस्तानी दस्ता आया हुआ है यहाँ पर मातमदारी के लिए, यहाँ में फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर, और यहाँ पर हर साल अय्याम फातिमा पर पाकिस्तान से सैकड़ों की तादाद में काफले आते हैं मातमी दस्ते की सूरत में, और यहाँ पर आकर अज़ादारी करते हैं मासूम कौम के रोज़े पर। यहाँ पर सुहान का जो रेट है वो 1,20,000 तुमान, ये मुझे मिला है 1,40,000 का, ये 1,000 रुपये दे रहे हैं पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं तफ्तान बॉर्डर के बिल्कुल साथ,